नमस्कार, आप देख रहे हैं कोल्टा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बॉलीवुड में लगातार सुशांत सिंह के निधन के बाद एक चर्चा छिड़ गई थी कि वहां नेपोटिज्म है, वहां भाई भतीजावाद है, खानदानवाद है और नए हीरो, नए एक्टर्स, नए एक्ट्रेस को मौका कम मिलता है। ऐसे में बॉलीवुड में ये चर्चा भले चल रही थी, लेकिन सुशांत सिंह के निधन के बाद आज लगभग एक महीना होने वाला है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जवल त्रिवेदी जी, जो बॉलीवुड के क्रिटिक हैं और ये बॉलीवुड को बहुत दिनों से देख रहे हैं। और चर्चा करेंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पर वो जो बड़े दिग्गज बॉलीवुड के एक्टर होते थे जो लगातार ट्वीट करते थे, आज उनमें सन्नाटा क्यों है। इसी बीच कई और एक्टर्स एक्ट्रेस का निधन हुआ है, उस पर भी उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो सीधा आप चलते हैं उज्जवल त्रिवेदी जी के पास। आज आप उनसे चर्चा सुनेंगे कि आखिर इसमें बड़ी बात, बड़ी खबर क्या है। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। देखिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए इस परिचर्चा में। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमय मौत हुई 14 जून को, उसके बाद जिस तरह से उनके फैंस ने रिएक्ट करना शुरू किया सोशल मीडिया पर, और फिर खबरें आनी शुरू हुई उनके डिप्रेशन की, उनसे फिल्में छीने जाने की, उनकी बयान आए जिसमें कहा गया कि वो उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ काम करने के लिए मना किया था, फिर तरह तरह की बयानबाजी सामने आई। क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है इसलिए पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा आधिकारिक बयान नहीं आए हैं। अब तक करीब 25-33 लोगों के साथ पूछताछ हो चुकी है, शेखर कपूर के साथ भी पूछताछ हुई है। ये जो पूरा मामला सोशल मीडिया पर जिस तरह से बिखरा हुआ है और सारे देश विदेश में फैंस परेशान हैं कि राजपूत एक चमकता हुआ सितारा, जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में की थी, जिनके पास इतना अच्छा काम था, इतना अच्छा नाम था, जो इतने सारे लोगों को इंस्पायर करते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो सबको बीच में छोड़कर चले गए। उनके फैंस इसे सुइसाइड मानने को तैयार नहीं है। उनके फैंस का कहना है कि ये मर्डर हो सकता है। पुलिस हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच एक बहुत हैरान करने वाली बात हुई है संतोष, जिससे बॉलीवुड के फैंस बहुत हैरान रह गए हैं। बॉलीवुड का कोई भी बड़ा चेहरा, कोई भी बड़ा खान, कपूर, कुमार, ये कोई भी सामने नहीं आया है, और इनमें से किसी ने भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। सीबीआई जांच की मांग कौन कर रहा है? शेखर सुमन या मनोज वाजपेयी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। ये वो लोग हैं जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर इतने पॉपुलर या बड़े स्टार नहीं माने जाते। तो इस तरह की खुदगर्जी जैसा माहौल बना हुआ है। कल रात जब जगदीप जी का देहांत हुआ, उसके बाद भी एक हैरानी वाली बात ये रही कि जगदीप जी के देहांत के बारे में किसी भी बड़े स्टार ने अपने सोशल मीडिया पर नहीं लिखा। यहां तक कि अमिताभ बच्चन जी ने भी नहीं लिखा, जो उनके साथ शोले में काम कर चुके हैं। सुरमा भोपाली का जो मशहूर कैरेक्टर था जिन्होंने किया था। तो एक बहुत अलग तरह का बॉलीवुड देखने को मिल रहा है। एक इतना चमकता हुआ सितारा हमारे बीच से चला जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उसको लेकर कई सारे नाम सामने आते हैं, करण जौहर के नाम सामने आए या सलमान खान के नाम सामने आए, या आलिया भट्ट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत का मजाक बना रही थी। इसके बाद इनको सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने ट्रोल करना भी शुरू किया। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर छोड़ दिया, और भी सलमान गैंग के बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर से किनारा कर गए। एक और बात जो यहाँ पर समझने जैसी है वो ये कि ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा कोई स्टार बीच से अचानक चला गया। इसके ठीक 15 दिन बाद, ये 14 जून को हादसा हुआ, 14 जून के 15 दिन बाद 29 जून को बॉलीवुड में एक बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हॉटस्टार ने अनाउंस किया कि वो 7 फिल्मों को रिलीज करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म में, और इसमें जो पहली फिल्म है वो दिल बेचारा है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी थी। लेकिन इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ना तो कोई मौन रखा गया, ना ही इतने सारे स्टार्स जो वहां इकट्ठे हुए थे उन्होंने उनके बारे में कुछ कहा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक और बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही कि इसमें दो सो कॉल्ड छोटे सितारों को नहीं बुलाया गया। तो जहां एक तरफ पूरे देश में नेपोटिज्म को लेकर बातें हो रही हैं, फेवरेटिज्म को लेकर बातें हो रही हैं, उसी दौरान एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पे फिर वही बॉलीवुड का रंग दिखता है, जहां पर छोटे नामों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो पिछले, मैं कह सकता हूँ पिछले 3 हफ्ते से बॉलीवुड में बहुत अलग तरह का माहौल है।
लोगों ने अपने अपने इन फेवरेट हीरोज को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था, जिस जिस तरह का रंग इनका अब दिखाई देने लगा है। ये सब पे सब सोशल मीडिया से गायब, जो हर दूसरे दिन अपनी सेल्फीज पोस्ट करते थे, जो हर दूसरे घंटे कुछ ना कुछ एक सोशल मीडिया पोस्ट आता था, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो, वो सब के सब गायब हो गए। अचानक ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको पता है कि क्या उनसे पूछा जाएगा और जो उनसे पूछा जाएगा उसका जवाब उनके पास नहीं। एक और बात यह है कि बहुत सारे स्टार्स ने अपने कॉमेंट बॉक्स बंद कर दिए। बात संतोष मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती ने ही मीडिया को और सबको बताया है कि वो डिप्रेशन में थे। उनकी फैमिली में किसी को नहीं पता वो डिप्रेशन में थे, वो कौन सी दवा लेते थे। मुंबई शहर में ही उनकी बहन रहती है, उनको भी नहीं पता था। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या डिप्रेशन था जिसका इलाज वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती के कहने पर करा रहे थे, जिसकी दवाओं के बारे में किसी को नहीं पता। एक और बात हैरान करने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने ये कहा है, उनके फादर ने, कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते। ये सारी बातें बहुत हैरान करने वाली हैं। सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ रह रहे हैं, वो उनका डिप्रेशन का इलाज करा रहे हैं, तो पिता कह रहे हैं। बहुत सारे पेच हैं संतोष पूरे मामले में। कोरोना लॉकडाउन का असर है या ओटीटी पे आने का असर है या सुशांत सिंह राजपूत का असर है, सरोज खान का निधन हो जाता है, जगदीप का निधन हो जाता है, लेकिन बॉलीवुड में जो सन्नाटा है उसे आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं? देखिए संतोष, सरोज खान के मामले में तो कभी बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन जहां तक जगदीप जी का सवाल है, जगदीप जी के बारे में तो मुझे अभी तक कोई सोशल मीडिया पोस्ट अभी तक नहीं दिखाई दिया है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये बहुत हैरानी की बात है, ये किस तरह का यहाँ बनता जा रहा है। इससे बॉलीवुड की इमेज काफी खराब हुई है, क्योंकि जिस तरह की इमेज है लोगों के बीच बॉलीवुड की, उनको ये लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना इतना बेरुखी कैसे हो सकती है। सुशांत के बारे में एक चर्चा हुई है और जिसका रिजल्ट निकलता भी दिख रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों की हालत खराब हो गई है, वो सोशल मीडिया पर न तो जवाब दे पा रहे हैं न सवाल कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड के सन्नाटे पे जो आज हमारी आपकी चर्चा हुई है, जिसपे आपने एक बेहद जानकारी दी है, यह लोगों को पसंद आया होगा। पोल टाक पर लगातार खबरें मिलती रहेंगी और हम उज्जवल त्रिवेदी से लगातार बॉलीवुड के मामले में संपर्क में बनते रहेंगे। धन्यवाद।